6000 की नौकरी करने वाला केबीसी में जीता था 5 करोड़ रुपए। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिहारी के बारे में जिन्होंने अपने ज्ञान के बदौलत देश दुनिया में नाम कमाया। इनके कार्यों से ही बिहार उस दौरान गौरवान्वित हुआ था। बिहार को लेकर जो बातें पिछले कई सालों से कही जा रही थी, यह ज्ञान की भूमि है, इस बात को इस बिहारी लाल ने उस समय चरितार्थ कर दिया था। इनके ज्ञान का डंका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बज रहा था। लंबे समय से चली आ रही ज्ञान की इस परंपरा को बिहारी लाल ने आज के ज़माने में भी कायम रखा था। यह एक साधारण से परिवार से आते हैं, लेकिन इनके कार्य असाधारण थे, तभी तो इस व्यक्ति को एक ख्याति मिली। अब तक आपको भी समझ में आ ही गया होगा, हम बात करने जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति के विजेता सुशील कुमार के बारे में। सुशील कुमार का बचपन अभावों में बीता। 5 भाइयों को उनके माता पिता ने पढ़ाया। इनके माता पिता ने अपने बच्चों को अपना पेट कार कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। जब उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की तो उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशील कुमार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए, लेकिन इस दौरान उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर चलाने की भी ट्रेनिंग ली थी। हालांकि बाद में इसी में उन्हें नौकरी भी मिली थी। हालांकि इसी दौरान उनकी शादी हो गई और इस दौरान उन्होंने डाटा एंट्री का काम शुरू कर दिया। हालांकि इसी दौरान टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति सेगमेंट आता था, इसमें जाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें इसमें सफलता मिली। दरअसल इससे पहले 4 बार कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया था। इस समय सुशील के पास ना तो टीवी था और ना ही मोबाइल, जिससे कि वह केबीसी के सवालों का जवाब दे सके। लेकिन जब KBC 4 की जब शुरुआत हुई तो उस समय तक सुशील कुमार की नौकरी लग गई थी और घर में टेलीविज़न भी आ गया था। हालांकि सुशील कुमार ने KBC में जाने का आस नहीं छोड़ा। KBC 5 आने के बाद उनका बुलावा यहां से आ गया। जब सुशील कुमार का ऑडिशन हुआ तो करीब 1 महीने के बाद उनका फाइनल ऑडिशन भी आया, जिसमें कि उन्हें मुंबई बुलाया गया। हालांकि ज्ञान की इस परीक्षा में सुशील कुमार यहां पे सफल रहे और उन्होंने अपने अब तक की पढ़ाई की सारी ताकत इस पूरे परीक्षा में उन्होंने झोंक दी और उनके सामने थे अमिताभ बच्चन, जिसमें उन्होंने साबित किया और कहा कि हम बिहार की माटी से आते हैं और KBC जीतने से पहले बिहार के लिस्ट में जो है वो शामिल हुए थे। उन्होंने साल 2011 में KBC में भाग लिया था। जिस समय वे KBC का हिस्सा बने थे उस समय उनकी सैलरी महज 6000 रुपये थी। KBC विजेता बनने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उन्हें मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। KBC का 5वां सीजन जीतने के बाद सुशील कुमार को इनकम टैक्स काटने के बाद 3.6 करोड़ रुपए उनके हाथ मिले थे। उन्होंने यह भी बताया कि जो रकम मिला था उससे उन्होंने अपनी पुश्तैनी मकान को ठीक करवाया। उसके बाद कुछ पैसे से उन्होंने अपने भाइयों का बिजनेस शुरू करवाया। बाकी बचे हुए पैसे उन्होंने बैंक में जमा कर दिए, जिसके ब्याज से उनका परिवार चलता था। KBC में सुशील कुमार ने 11वें सवाल तक सिर्फ एक ही लाइफ ना लिया था। उसके बाद 12वें सवाल पर उन्होंने एक्सपर्ट की राय ली और 13वें सवाल पर बाकी 2 बचे लाइफ लाइन, जिसमें कि फोन और प्रिंट और डबल ट्रिपल की मदद ली थी। सो जीतने के बाद जब उनके हाथ में चेक आया तो सुशील कुमार इस दौरान पूरी रकम में 0 को जोड़ते रहे थे। पिछले दिनों सुशील कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए उन दिनों के घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने साल 2015-16 के दिनों को याद करते हुए कहा कि एक लोकल सेलिब्रिटी होने की वजह से मुझे महीने में 10 से 15 दिनों तक बिहार में कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाना पड़ता था, जिसके कारण मैं खुद के लिए पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं मीडिया को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए मैं बिना अनुभव के ही नए नए बिजनेस करता था, जिसमें मीडिया को बता सकूं कि मैं बेकार नहीं हूं। लेकिन इसका परिणाम यह होता कि बिजनेस कुछ ही दिनों में डूब जाता था। उन्हीं दिनों की घटना को लेकर बताते हुए उन्होंने कहा कि डोनेशन का भी उस दौरान उन्हें चस्का लगा था। इसके चलते वह हर महीने 50,000 से ज़्यादा रुपये का डोनेशन कर देते थे, लेकिन उन्हें बाद में यह पता चला कि दान के नाम पर कुछ चालू लोग उनसे ठगी कर रहे हैं। सुशील कुमार ने यह भी कहा कि इस दौरान मेरी पत्नी से मेरे संबंध खराब हो गए थे। इस दौरान वह मेरे बारे में यह बताती थी कि मुझे लोगों की पहचान नहीं है और भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। यह सुनकर मुझे लगता था कि वह मुझे गलत समझती है। इसी कारण से दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता था। KBC में जीते हुए पैसे से मैंने दिल्ली में बिजनेस शुरू किया, जहाँ दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार चलवाता था, यानी कि कार का बिजनेस उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन इस दौरान मुझे बार बार दिल्ली से बिहार आना जाना पड़ता था। इसी दौरान मुझे सिगरेट और दारू की भी लत लगी थी। हालांकि इस दौरान मुझे JNU के छात्रों से मुलाकात हुई, जिसमें जीवन के बारे में बताया और कई अलग तरह की जानकारियां उन्होंने साझा की।
अपने इन्हीं बुरे दिनों को याद करते हुए सुशील कुमार बताते हैं कि एक दिन हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया था और मैं टहल रहा था। इसी दौरान एक अंग्रेजी के अखबार के पत्रकार का फ़ोन आ गया जिससे मैंने बात किया। शुरुआती समय में अच्छी बातचीत हुई लेकिन बीच में उन्होंने कुछ ऐसा पूछा कि मैं गुस्से में बोल दिया कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया है, अब दो गाय पाल रखा हूँ जिसका दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। इसके बाद पूरी दुनिया में यह खबर तेजी से वायरल हो गई। इस खबर के बाद से लोग हमसे दूर जाने लगे। तभी सुशील कुमार के दिमाग में यह बात चली कि अपनी इच्छा को पूरा किया जाए। तब उन्होंने फिल्मों में डायरेक्शन के क्षेत्र में आगे जाने का फैसला किया और मुंबई चले गए जहाँ उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस में काम किया, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी उन्हें बोर हो गई, वो रास ना आई और एक दिन वो फिर से घर आने का फैसला कर लिया, घर आने का मन बना लिया। मुंबई से घर तो आ गए लेकिन बुरी आदतें अभी भी उनके साथ थी, जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना। हालांकि मुंबई से वापस आने के बाद सुशील को बुद्ध की तरह ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें लगने लगा कि इन सब से अच्छा है कि अपने अंदर की बात को सुनो और एक अच्छा इंसान बनो। मुंबई से आने के बाद उन्होंने फिर से टीचर की तैयारी शुरू कर दी जिससे कि वो पास हो गए। साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण से जुड़े हुए रहने को लेकर काम करना शुरू किया और शांति में काम करने का उन्हें जो है अनुभव मिला और इस दौरान जो है उन्हें खूब शांति मिली। अपने शराब छोड़ने के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2016 में मैंने आखिरी बार शराब को हाथ लगाया था, अब मैं अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे ही पर्यावरण की सेवा करने का मौका मिलता रहे। सुशील कुमार ने कहा कि अब बस यही सोचता हूँ कि जीवन की ज़रूरतें जितनी कम हो सके रखनी चाहिए, बस उतना ही कमाना चाहिए जितने की ज़रूरतें पूरी हो सके, बाकी बचे समय में पर्यावरण के लिए छोटे स्तर पर कुछ करते रहना चाहिए। तो सुशील कुमार जो कि 2011 में KBC के विजेता रहे, बिहार की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और बिहार का नाम पूरे देश दुनिया में बढ़ाया था। बाद के समय में वे कई अलग अलग विसंगतियों से जुड़ते रहे, यानी कि उनके लत लगा और आज वो एक पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं और अपनी जीवनचर्या को सरल तरीके से जीने की बात और शिक्षा लोगों को दे रहे हैं।